खरगोन जिले में एक तरफ अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बीती रात भगवानपुरा थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति की शराब पीने से तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिकनगांव SDOP संजू चौहान ने बताया कि ग्राम मदनी खुर्द में पति पत्नी सुबह मृत अवस्था में मिले हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों शराब के आदि थे, गुजरात से मजदूरी करते थे, हाल ही में पंचायत चुनाव में मतदान के लिए लौटे थे। मृतक रेम सिंह और उसकी पत्नी ममता की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने रविवार स्थानीय चिकित्सालय में उपचार भी करवाया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कारण है ये भैया? सर, शराब, दोनों व्यक्ति शराब पीते थे और शराब के नशे में जो भी हुआ, वो शराब के नशे में हुआ, पता नहीं क्या हुआ सर, शराब है या कोई और रीजन है ये पता नहीं, जो जांच होगी उसको पता चलेगा कि क्या है। दोनों पति पत्नी की मौत हुई है, क्या जहरीली शराब की भी आई आशंका लगती है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि सर शराब गलत हो सकती है, क्योंकि शराब आजकल सही तो होती नहीं है, तो कब की जांच होगा उसमें पता चलेगा। सर ये कब की घटना है? सर ये रात की घटना है, सुबह जब जगे सभी लोग को देखा कि ये मृतक पाए गए दोनों। तो घर पर कोई था क्या? हाँ, घर पे उनका लड़का था और ससुर वगैरह था। क्या नाम थे इनके दोनों? इनके ससुर का नाम तो भाव सिंह है और लड़के का नाम क्या? लड़के का नाम क्या है? रविंद्र वास्कर। आप कौन लगते हैं? इनका भतीजा। हाँ, आज मदनीखोर्द गांव में यहाँ पर ये दो लोग पति पत्नी हैं, जिसका नाम ममता और रेम सिंह है। ये अधिक शराब पीने से आज इनकी मृत्यु हो गई है। कल रात में भी इनकी तबीयत ख़राब थी, यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया था, लोकल डॉक्टर ने इनको जिला अस्पताल जाने के सजेशन दिया था, लेकिन ये लोग यहीं आ गए। फिर ये इनके परिवार वाले लोग भी बता रहे हैं कि इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने पहले भी शराब पीने से मना किया था, तो कल अधिक शराब पीने से बॉटल भी मिली है देसी कौवे के, आज नौ कौवे मिले हैं, तो उस कारण से इनकी मौत हो गई है। और बाकी और जांच की जा रही है, जो भी जांच निकलता है देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।